Hey, what's up guys? You are watching On Time Technics. I am Shark. Let's start right now. तो गाइस फॉन्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर आप अपने विंडोज़ पीसी में या अपने एंड्रॉयड डिवाइस में जब कोई टाइपिंग करते हैं और उस टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वही फॉन्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर फॉन्ट सपोर्ट करते हैं, नए नए तरह के फॉन्ट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छे एप्लीकेशन के बारे में। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। दोस्तों वैसे तो आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन फॉन्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे, लेकिन इस एप्लीकेशन की जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर सैमसंग के वन यू आई के लिए अलग फॉन्ट दिए गए हैं और बाकी अदर ब्रांड्स के लिए अलग फॉन्ट दिए गए हैं, और यहाँ तक कि इसके अंदर कलरफुल फॉन्ट्स भी दिए गए हैं, यानी कि वो सारे फॉन्ट्स जो हैं वो कलर्ड हैं, यानी कि सिंपल एक तरह का टेक्स्ट नहीं आएगा, डिज़ाइन के साथ साथ उसमें अलग अलग रैंडम कलर भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कलरफुल फॉन्ट है ये सैमसंग डिवाइस के अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी अदर ब्रांड में जैसे कि वीवो, ओप्पो, इस तरह के सभी ब्रांड्स में ये वर्क करेंगे। दोस्तों इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो। तो भाई सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर का डिवाइस है ये है मेरा गैलेक्सी M20, और इसके अंदर आप फॉन्ट्स देख सकते हैं कि किस स्टाइल के फॉन्ट्स हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अलग जो कस्टम फॉन्ट्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और उसको यूज़ करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जी फॉन्ट के नाम से ये एप्लीकेशन है, और दोस्तों इसके अंदर जो फॉन्ट्स दिए रखे हैं तो सैमसंग के डिवाइस के लिए जो वन यूआई पे बेस्ड हैं उनके लिए अलग फॉन्ट्स दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ टॉप लेफ्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन यूआई के लिए सारे फॉन्ट आपको दे रखे हैं। ये सभी फॉन्ट्स जो हैं वो सैमसंग के वन यूआई डिवाइस में चलेंगे और किसी में भी काम नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक ये वाला, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें और भी कई तरह के फॉन्ट दे रखे हैं, जैसे कि ये और इमोजीज में दे रखी हैं। आप यहाँ से iOS की और Facebook की, WhatsApp, Windows सिस्टम की, सभी तरह की जो भी इमोजी आपको इंस्टॉल करनी है सभी तरह की इमोजी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों अब आते हैं हम कलर फॉन्ट्स पे, यानी कि जो कलर फॉन्ट होते हैं, वैसे तो आपने नहीं देखे होंगे इससे पहले, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर कलर फॉन्ट भी अवेलेबल हैं, बट ये मेरे सैमसंग डिवाइस में वर्क नहीं करेंगे, तो मैं आपको दूसरे डिवाइस में इसको दिखाऊंगा, वीवो के डिवाइस में मैं आपको इसको दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि सैमसंग वन यूआई के लिए किस तरह से फॉन्ट को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको लगाऊंगा मैं डाउनलोड पे, और दोस्तों इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा। और बाकी इस वीवो के डिवाइस में मैं आपको दिखाता हूँ कलर फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो वीवो के डिवाइस के अंदर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और हम जाते हैं इसी एप्लीकेशन के कलर फॉन्ट सिस्टम में। कलर फॉन्ट सिस्टम में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो कलर फॉन्ट दे रखे हैं इनमें से मैं कोई भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा, थोड़ा सा कम मैं कर लेता हूँ, जैसे कि मैं आप करके दिखा देता हूँ कोई छोटा सा ज़्यादा, जैसे कि 430 KB के अंदर है तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, तो डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ मैं इसको। इस एप्लीकेशन के अंदर बस एक ही दिक्कत है कि इसमें एड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, बाकी एड से आपको क्या काम है, आप अपना काम देख के पहले, एड का कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर दोस्तों तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर मैंने अपने सैमसंग डिवाइस में ये फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद चेंज फॉन्ट पे जाएंगे, चेंज फॉन्ट पे जाने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे जो आपने डाउनलोड किया था, जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट जो है वो मैंने डाउनलोड किया था, इसको मैं सेट कर दूंगा, और सेट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सेटिंग के अंदर सारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से कई तरह के कस्टम फॉन्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है वीवो के इस डिवाइस के अंदर सेट करने की कलर फॉन्ट, तो सेट पे जाएंगे तो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे आप अपने वीवो का डिवाइस, जैसे कि वीवो फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एक बार और न्यू पे जाऊंगा। न्यू पे जाने के बाद आपको चेंज फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपके जो फॉन्ट्स का जो सिस्टम है वो सारा कुछ आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये आई थीम का एप्लीकेशन होता है, वीवो के अंदर आपके रोम में इंस्टॉल आएगा। और दोस्तों ये जो नीचे पॉपुलर के बराबर में थीम है, थीम के बराबर में जो फॉन्ट का जो ये आपको सेक्शन मिल जाएगा, फॉन्ट के सेक्शन में आपको क्या करना है कि वो आपका जो सॉरी यहाँ से नहीं, आप जाएंगे सीधे सीधा अपने लोकल के अंदर, लोकल फॉन्ट में जाएंगे। लोकल फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक कस्टम फॉन्ट दिखाई देगा, तो इसे मैं क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा इसको। तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि जो फॉन्ट मैंने इंस्टॉल कर दिखाया था आपको वीवो के डिवाइस के अंदर वो इसमें सेट हो चुका है। सेटिंग खोल के दिखाता हूँ, कलर फॉन्ट आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसमें कलर फॉन्ट वाकई में सच में इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए, आप देख सकते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कलरफुल फॉन्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये वीवो का डिवाइस है, वीवो, शाओमी, ओप्पो,
इन कुछ डिवाइस में ये फॉन्ट वर्क करेगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और जाने से पहले नीचे इस बॉल के आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।